हीरो इलेक्ट्रिक की आज बात करेंगे। हीरो इलेक्ट्रिक इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी है, और चाहे आप पेट्रोल वाला भी देखो, वहाँ भी हीरो का नाम चलता है, यहाँ भी हीरो का नाम चलता है, दोनों जगह हीरो हीरो। तो आज हम इनके स्कूटरों की बात करेंगे। बहुत ही अच्छी अपडेट है, इनका जो स्कूटर है सबसे मोस्ट सेलिंग स्कूटर इनका ऑप्टिमा, उसमें बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिला है, जो प्राइस कट हुआ है बहुत तगड़ा हुआ है। तो इस स्कूटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप हीरो की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो आपको हाई स्पीड लिखा हुआ नहीं मिलता, वहाँ पे मिलता सिटी स्पीड। सिटी स्पीड का मतलब है कि इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 42 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करें इनके स्कूटरों की, तीन स्कूटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो है फोटोन, दूसरा ऑप्टिमा, तीसरा है NYX। तो ये तीन मॉडल इनके सिटी स्पीड के साथ, तीनों में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, और तीनों पर ही आपको सब्सिडी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ऑप्टिमा HX की, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है, और इसका जो प्राइस में कट हुआ है ना, वो बहुत ह्यूज हुआ है, आप देख के खुश हो जाओगे। जो दो बैटरी के साथ आता है, उसकी पहले एक शोरूम प्राइस थी 74,660 रुपीज़, जो अब घट के हो चुकी है 58,980 रुपीज़। तो इसकी जो प्राइसिंग है ना, वो 15,600 रुपये से गिरी है, और 15,600 सही में ह्यूज अमाउंट होता है अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को देख रहे हो। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सिर्फ सब्सिडी की बात करें ना, तो सब्सिडी का खेल कुछ ऐसा है, आप कहीं भी रहते हो, फेम टू सब्सिडी तो हर जगह लागू होगी इंडिया के अंदर। अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो इसमें दो बैटरी हैं, एक तो है 1.5 किलोवाट आर की, दूसरी है 3 किलोवाट आर की। अगर आप सिंगल वाली बैटरी पे सब्सिडी देखोगे, तो 1.5 को जब आप इंटू कर दोगे 15,000 से, तो आपको 22,500 रुपये की सब्सिडी देखने को मिलेगी। बात करें डुअल वेरिएंट की, तो वहाँ पे बैटरी है 3 किलोवाट आर की, उसे जब आप इंटू करोगे 15,000 से, तो आपको 45,000 की सब्सिडी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई फेम टू सब्सिडी जो पूरे इंडिया में मिलती है। बात करें दिल्ली वी सब्सिडी की, तो दिल्ली वी सब्सिडी सिर्फ दिल्ली के लोगों को मिलती है, इसके लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए दिल्ली का, और इस सब्सिडी का जो रेट है वो है 5,000 पर किलोवाट आर। तो अगर यहाँ पे हम दिल्ली वी सब्सिडी को कैलकुलेट करें, तो सिंगल बैटरी वाले पे हमें मिलेगी 7500 रुपये की सब्सिडी, जो कि आपके अकाउंट में आएगी, और अगर हम डुअल बैटरी वाले पे देखें, तो यहाँ पे हमें पूरी मिलेगी 15,000 रुपये की सब्सिडी, जो आपके अकाउंट में आएगी। अब बाकी स्टेट वाले ना सही में जल रहे होंगे, क्योंकि मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ दिल्ली वी सब्सिडी, और उनके वहाँ पे है नहीं, उसके लिए सॉरी, बट जो भी है। तो आपको प्राइस देखने को मिलती है 43,000 समथिंग की, जो कि आपकी एक्स शोरूम प्राइस है। इसके ऊपर अभी जो भी चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे, तो आपको ऑन रोड ये पड़ जाएगा दिल्ली के अंदर 49,000 का। सो गाइस, 49,000 में आपको ऑप्टिमा HX मिल जाएगा डुअल बैटरी वाला। अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊँ, तो ऑप्टिमा HX में आपको देखने को मिलती है 42 किलोमीटर की स्पीड, 122 किलोमीटर की रेंज इन डुअल बैटरी, और सिंगल बैटरी में 82 किलोमीटर की रेंज। चार्जिंग टाइम है इसका 4 to 5 आवर्स। इसमें लगी मोटर का पीक पावर आउटपुट है 1.2 किलोवाट। इसमें बैटरी है 1.5 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी, जो कि एक पोर्टेबल बैटरी है। वहीं अगर आप इसके डुअल वेरिएंट की बात करो, तो इसे आप दुगना कर दो, यानी कि 3 किलोवाट आर की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो होगी इसकी स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप इसे लेने जाओ, या अगर आप इसे सोच रहे हो लेने की, तो आप इसका सिंगल वाला वेरिएंट मत लेना, डुअल बैटरी वाला ऑप्शन लेना। यहाँ पे रीज़न इसका ये है कि सिंगल वाले पे आपको कम सब्सिडी देखने को मिलती है, और डुअल वाले पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे डुअल बैटरी वाला वेरिएंट लेने में फ़ायदा है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो रही है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके जो आसपास वाला डीलर है वो कुछ की कुछ बता रहा है, वो कह रहा है ये सब्सिडी अभी हमारे यहाँ लागू नहीं हुई है। तो दोस्तों, जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये मैं डीलर से पहले कांटेक्ट करके बना रहा हूँ, चाहे मैंने वो ओकिनावा की बनाई हो या फिर ये हीरो की जो बनाई है, इसमें भी मैंने कांटेक्ट करा है पहले डीलर से, उसके बाद ये वीडियो बनाई है। अब मेरे एरिया में तो ये पूरी सब्सिडी एप्लीकेबल हो रही है, आपके एरिया में नहीं हो रही इसको तो खैर मुझे रीज़न नहीं पता। आप फिर भी ओकिनावा को या हीरो को आप ट्विटर पर टैग कर सकते हो, और उनसे पूछ सकते हो कि भाई हमारे एरिया में ये जो फेम टू वाली सब्सिडी है वो एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना, ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में।